हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स ट्यूटोरियल। माय नेम इज गरिमा यादव एंड हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्स, जो कि आपके क्लास 8 के 11th चैप्टर का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को जब हम धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपको एक इमेज दिखाया गया है। इस इमेज में है कि दो बच्चे हैं, एक वुडन ब्लॉक है। एक बच्चा इस वुडन ब्लॉक को पुश कर रहा है और दूसरा बच्चा इस वुडन ब्लॉक को पुल कर रहा है। मतलब एक बच्चा इसे धक्का दे रहा है और दूसरा बच्चा इसे खींच रहा है। यहाँ धक्का देना और खींचने को ही हम फोर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। यू एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अ वुडन ब्लॉक व्हेन यू पुश इट एंड ऑन अ चेयर व्हेन यू पुल इट अवे फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम जब एक वुडन ब्लॉक को धक्का देते हैं तो हम इसे फोर्स कहते हैं, या फिर टेबल से जब हम चेयर को खींचते हैं तो हम इसे फोर्स कहते हैं। पर क्या पुल और पुश ही फोर्स का सही डेफिनेशन है? मतलब केवल पुश और पुल को ही हम फोर्स कह सकते हैं? चलिए इसे दूसरे एग्जांपल्स के जरिए और बेहतर तरीके से समझते हैं। मैंने दो तरह की लकड़ी लिया है। एक लकड़ी का नाम मैंने ए रखा है और दूसरी लकड़ी का नाम मैंने बी रखा है। ए को मैं अपनी ओर खींचती हूँ। दोनों ही लकड़ियाँ मेरे से 5 मीटर की दूरी पर हैं, तो ए को मैं अपनी ओर खींच रही हूँ या फिर उसे किसी को कह रही हूँ तो मेरी तरफ उसे धकेल दे। जबकि दूसरी लकड़ी के साथ, जिसका नाम बी है, उसके साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ना ही मैंने उसे धक्का दिया और ना ही मैंने उसे अपनी ओर खींचा है। तो मेरा सवाल आप बच्चों से ये है कि कौन सा ऐसा वुडन है, मतलब कौन सी ऐसी लकड़ी है जिसपे फोर्स काम कर रहा है और कौन सा ऐसा जिसपे फोर्स काम नहीं कर रहा है, आप बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर ये होगा कि मैम जो लकड़ी ए है उस पर फोर्स काम कर रहा है और जो लकड़ी बी है उस पर फोर्स काम नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही हो। जो लकड़ी ए है उस पर फोर्स काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम उसे पुल और पुश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लकड़ी बी है उस पर भी फोर्स काम कर रहा है। उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? उस पर ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। आप सबको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पता होगा। जब भी हम कोई सामान किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं या फिर कोई सामान किसी ऊंचाई से गिरता है तो वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर क्यों जाता है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है। मतलब फोर्स हमेशा केवल पुश और पुल ही नहीं होता। जो सामान स्थिर होता है या जमीन से टिका हुआ है उस पर भी फोर्स काम करता है, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो फोर्स का आपका डेफिनेशन हुआ वो नया डेफिनेशन ये बन के आया। एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और अ मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कोई बाहरी एजेंट्स जो कि किसी रेस्ट स्टेट या मोशन, the direction towards which the force is applied is known as direction of force and the application of force is the points where force is applied. जिस direction में हम force को लगाते हैं उसे हम direction of force कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको दिखाया गया है कि दो players हैं जो कि football खेल रहे हैं। फुटबॉल एक जगह से आए, मतलब एक direction से आया है, जिसे हम एक players ने kick किया है और वो दूसरी ओर गया है। इसमें दिखाया गया है applied force of football to change its direction. मतलब डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम फोर्स का अप्लाई करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, आइए जानते हैं। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मेकिंग कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, फिजिकली मीट करते हैं, इस तरह के फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, जिनमें हमारे दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट इन कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स है जिनमें दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, बिना कांटेक्ट में आए ही ये फोर्स एक्ट करता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर। इन सब फोर्सेस के बारे में हम आने वाले सेशंस में और डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के इफेक्ट्स क्या है इसे देखते हैं। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। दूसरा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को यह रोक सकता है। तीसरा, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट,
फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को बदल सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लो आ रहा है तो हम उसे फोर्स अप्लाई करके उसे फास्ट कर सकते हैं। चौथा, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन से आ रहा है, एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ से आ रहा है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसे साउथ की तरफ मोड़ सकते हैं। पांचवा है, अ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है, मतलब इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक बॉल है, उसको राउंड है, एक बॉल है वो सर्कल में मतलब राउंड में है, लेकिन हम उसे फोर्स दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करके हम उसे ओवल शेप में ला रहे हैं। तो हम जो फोर्स अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। आप सभी ने वो स्पंजी बॉल देखा होगा ना, उस बॉल को क्या करते हैं, वो जो येलो कलर का बॉल होता है उसको हम जैसे ही दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसका शेप वापस से वैसा ही हो जाता है। या फिर कोई और एग्जाम्पल देखे तो आपने स्प्रिंग देखा होगा, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, वो छोटे से बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं मतलब उसे खींचना बंद कर देते हैं तो वो वापस से अपने उसी स्टेट में आ जाता है। तो मतलब फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी हम बदल सकते हैं। तो इस तरह आज हमने शेप फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं उसे देखा, और फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगले सेशन में हम इसी फोर्स के जो टाइप्स हैं उसमें और उसे और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए।